छोटा सा गीत मैं भी आपकी सेवा में दे रही हूँ। कौन सा बेटा? क्योंकि समय वैसे भी अधिक हो गया है। एक गीत बजा। कौन सा? और कहा फिल्मी दुनिया वालों ने। कहा फिल्मी दुनिया वालों ने। वैसे भी नहीं बोल रहे हैं। तो आइए मैं क्या कह रही हूं। क्या बाबा के दरबार में और कहना बाबा से क्या हरी वाली लीड से लगी। हेलो हेलो बड़ा तो यार। हेलो हेलो मदद करते हैं, जो बेसहारों का सम्मान करते हैं उनका होता क्या है? क्या? तो कह रही हूं क्या क्या बेटा? दुख में दुखियारों का जो भी सम्मान श्रीमान किया करते हैं उनकी रक्षा सदा हनुमान किया उनकी रक्षा सदा करते हैं। हाँ। तो ये निश्चित बात है कि उनकी रक्षा सदा हनुमान किया करते हैं। देखिए पहला उदाहरण आपको दे रही हूं, सुनिए। यार सुने आप बड़े बेहोश थे लक्ष्मण शक्ति लग गई ना। तो बोले बजरंग से भगवान
हनुमान जी बोले प्रभु इस सेवक के होते हुए आपकी आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? क्या है? तो कहा गया क्या? बड़े बेहोश थे लक्ष्मण, बोले बजरंग से भगवान के पीते नहीं ये रात और आ जाए संजीवन। क्या बात? बोले हनुमान वैद्य जी ने कहा कि रातों रात अगर सजीवन बूटी आ जाएगी तो ही लखन के प्राण बच पाएंगे। और मैं जानता हूँ अपनी सेना में हालांकि बड़े बड़े वीर योद्धा है बेटे, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो हनुमान। इसलिए हुआ क्या? क्या हुआ? संजीवन लाने को, दुख को मिटाने को, अरे संजीवन लाने को, दुख को मिटाने को, तो स्वामी के प्रिय लघु भ्रात लक्ष्मण को बचाने को। इस साल तुमको डांस प्लस में भेज दिया जाएगा। ये डांस इंडिया डांस के विजेता है बेटे। हाँ वही तो। अरे बैठ जाओ महाराज, काहे परेशान कर रहे हो, बैठ जाओ। ये ले गुरु, ये तेरे लिए, ये तेरे लिए, कुछ नहीं मेरे लिए। तो कहा गया क्या? संजीवन लाने को, दुख को मिटाने को, अरे स्वामी के प्रिय लघु भ्रात लक्ष्मण को बचाने को। हनुमान जी महाराज ने क्या किया? क्या किया? धाये बजरंगी प्रभु के संगी, चाल चल के एक टंगी, चाल चल के एक टंगी। तो कह रही हूँ जो कि निर्जीवों को भी जान दिया करते हैं, उनकी रक्षा सदा हनुमान दिया करते हैं, उनकी रक्षा सदा हनुमान दिया करते हैं, उनकी रक्षा सदा हनुमान दिया करते हैं। एक टुकड़ा और सुनिएगा। क्या है बेटा? क्या उनकी रक्षा सदा हनुमान किया करते हैं, निर्जीवों को जो जान दिया करते हैं उनकी रक्षा सदा हनुमान किया करते हैं। जाओ जाओ। एक टुकड़ा और दिनों जरा सुने आप। भीम हनुमान के भाई, कैसे? क्योंकि हनुमान जी पवन पुत्र हैं और भीम भी पवन पुत्र हैं, इसलिए भीम हनुमान के भाई समझ में बात ना आई। चले थे फूल लाने को, राह थी मौत की पाई, राह थी मौत की पाई, राह थी मौत की पाई। भीम जिस रास्ते से जा रहे थे फूल लाने के लिए, हनुमान जी महाराज जानते थे कि ये रास्ता खतरों से खाली नहीं है। इस रास्ते पर भीम के लिए मौत है। बिल्कुल, ये गब्बर का इलाका है। तो देखिए हनुमान जी महाराज ने किया क्या? क्या क्या बेटा किया क्या उन्होंने? क्या? चले थे फूल लाने को, राह थी मौत की पाई,
भीम चले आ रहे हैं तो देखा क्या के पूछ बैठे फैलाए हनुमान जी महाराज पूछ बैठे फैलाए रास्ते में और भीम आए तो बोले ए बानर ए बंदर हट इधर से हमको निकलना है इधर से काए बानर हट रास्ते से हमको निकलना है हनुमान जी ने नजर उठा के देखा बोले भैया शरीर से तो हट्टे कट्टे दिखाई पड़ रहे हो बिल्कुल बेटे खाते पीते खानदान के लग रहे हो इतना बड़ा रास्ता पड़ा है कहीं से भी निकल जाओ अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ और पूछ हटाना तो दूर की बात मैं तो खुद भी हिल डुल नहीं पा रहा हूँ अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो एक काम करो कि मेरी पूछ उठा के एक तरफ रख दो निकल जाओ भीम ने कहा अच्छा मुझे चुनौती दे रहा है रुक बंदर अभी तेरी पूछ पकड़ के तुझे फेंकता हूँ मैं हुआ क्या क्या हुआ पूछ बैठे फैलाए भीम जी जोश में आए और जैसे ही जोश में आए तो? उठाने पूछ को आए हैं लेकिन उठा नहीं पाए भीम मारे पसीने के तर हो गए लेकिन वो पूछ डस से मस नहीं हुई और जब हिली भी नहीं तो कहने लगे क्या? धन्यवाद है गद्दा मार्केट कानपुर से ये 11 पत्र मुद्राएं भैया की ओर से प्रदत्त हुई हैं और ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कानपुर नगर उपाध्यक्ष भैया हमारे ज्ञानेंद्र कुमार वाल्मीकि जी आपकी ओर से ये 21 मुद्राओं का आशीर्वाद है अच्छा अच्छा आपने कहा कि सुंदर सा सवाल गीत और सुंदर सा जवाब बहुत सुंदर जवाब देने से पहले राखी जी ने एक टिप्पणी कर दी है कौन से कहने की जानकी रमन जी आपने कह दिया निकल गए दिनवाल बजरंग बाला जी उस समय माँ से वो कहाँ मिले जब आप गीत को ही नहीं सुनती है तो जवाब फिर कहाँ से आएगा और क्या सही बात तो यही है कि आपने मेरे गीत को सुना ही नहीं बिल्कुल मेरी पंक्ति कह रही थी क्या डायरी दो नहीं सुना अपने गीत को बिल्कुल मैं कह रहा था कि लाल लंगोटा पहने चन में और लाल तो जाहे सुहाए और लाल बदन और पीले नयन है अंजनी लाल कहाए
बजरंग बालाजी। फिर मैंने कहा फिर कि जय हो राम भक्त हनुमान बजरंग बालाजी। आपने गीत को समझा नहीं, ये मेरा मुखड़ा था और क्या। अब मेरी बात शुरू हो रही थी। अब हनुमान जी जब द्रोणागिरि को उठाने गए और जब द्रोणागिरि ने कहा आपने माँ का दूध नहीं पिया है, तो आए और फिर माँ से मिले, दूध पिया गए और द्रोणागिरि को उठाए पहली बार। ये पहले चले वो राम के बाण समान बजरंग बालाजी, दूसरी बार फिर लौटते समय पुष्पक बाण उतारा किष्किंधा पर और फिर माँ से मिले। माँ ने फटकारा, तुमने राम को बहुत दुख दिए हनुमान, ये सब काम तुम्हें अकेले करने चाहिए, रावण क्या है तुम ऐसे, रावण तमाम रावण को मार सकते थे, आपने राम को दुख दिया, तुम्हें धिक्कार है, तुमने मेरे दूध को लजाया। तो उसमें सुग्रीव ने एक बात रखी, क्या माँ आपके दूत में इतनी शक्ति है? तो माँ ने अपने दूत की धार को पर्वत पे छोड़ दिया तो पर्वत फट गया। फिर तीसरी बात जो मैंने कही है, तीन बार मिले। अब आप उसमें तर के बजाय कुतर कर रही हैं, इतनी बढ़िया कलाकार हैं, गीत को सुना करिए, उसके बाद जब आप लिखवाया करिए, फिर जो मंच पे आपसे बन सके वो तर्क उतर करिए। और क्या, ये बात धन्यवाद है, कितने समझदार। ये महानगर कानपुर है और यहाँ वक्ता से ज्यादा श्रोता विद्वान है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कीर्तनकार तो ही है, लेकिन जो ये विद्वान श्रोता है ये कीर्तनकार से कम नहीं है। ये लोग ये जनता जनार्दन भगवान है। अब आप हंसमणी की अंदरी माँ से मिले तो तीन बार लिपट गए, ऐसा प्रसंग मिला है। और जब तीन बार हनुमान जी के मुख पे लिपट गए, माता अंजनी के सर के बाल हनुमान के मुख पे लिपट गए और माता अंजनी ने छुड़ा छुड़ा के फेंका, वो तीनों धरती पे गिरे। तो तीन स्थान, वो स्थान है राजस्थान। तो बाल रूप में हनुमान मेहंदीपुर बालाजी, प्रौढ़ रूप में हनुमान सालासर बालाजी और वृद्ध रूप में हनुमान बाला बालाजी। आपको नहीं बाला बालाजी नहीं है, देखिएगा जा राजस्थान की बाला बालाजी है कि नहीं है, बिल्कुल जाके देखना। और आंध्र प्रदेश में एक स्थान है तिरुपति बालाजी। आपका जवाब लाई है, लोगों ने सुना है के बचन मान हनुमान जी माता और राजा के संग आए और राम सिया रटवा वो वापसी बाण देखो सिधाए और लख कर चकराए श्रीमान जय हो बालाजी। क्या है चकराए माला, माला बहुत जल्दी पहन लेते राइटर महोदय। और क्या, कथा में रहते गतिमान। अच्छा, कथा में रहते विद्यमान की गतिमान। और क्या गतिमान का मतलब आप जानती हैं? गतिमान गतिमान। चलिए जो भी है आपका है, अच्छा है, कलाकार प्रयास ही कर सकता है। बिल्कुल गीत को सुना करिए राकेश जी, फिर टोका करिए। हाँ, और कुछ नहीं कहना, ये गीत आपका आया है, नीचे से आवाज आ रही है, ये है पढ़ाई लिखाई। के इस जमाने जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, दिल के बदले दर्द दिल लिया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत
दुखी दुखियारों का जो भी मान सम्मान सम्मान किया करते हैं उनकी रक्षा सदा हनुमान किया करते हैं। राखी जी ये गाना भी हमारे गुरुदेव का है, बिल्कुल हमारे गुरु जी का है जो आप गा रही थी। खैर चलिए जो भी आपका है बाप का नहीं है, और ये गीत नेट पे भी पड़ा हुआ है, सुनेगा जवाब कहना। इस जमाने में पावने से कहना है क्या कि जो भी श्री राम जी का ध्यान। बहुत अच्छे, क्या बात है, ये बात बाबा सुनिएगा। जो भी श्री राम जी का ध्यान किया करते हैं, जो भी श्री राम जी का, मेरा कहना कि कोई हनुमान जी की भक्ति करे या ना करे, लेकिन अगर वो व्यक्ति हनुमान जी के अलावा हनुमान जी को छोड़कर वो श्री राम की भक्ति करे तो हनुमान जी स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं बिना भक्ति करने से। जो व्यक्ति भगवान श्री राम की सेवा करते हैं, भगवान श्री राम का ध्यान किया करते हैं, तो हनुमान जी स्वयं उसका कल्याण किया करते हैं, है ना। जो भी श्री राम जी का ध्यान किया करते हैं, और कहना उनका हनुमान जी कल्याण किया करते हैं, उनका हनुमान जी कल्याण किया करते हैं, उनका हनुमान जी कल्याण किया करते हैं। कल्याण किया करते हैं। आप देखिए पहली बार मैं बता रहा हूं राखी जी, पहली बार लिखते चले कैसे के उर्धर के ध्यान हरि का, ये है ढोला क्या बोल रहा बाबा, पंक्ति कह रही है कि जो भी श्री राम जी का ध्यान किया करते हैं उनका हनुमान जी कल्याण किया करते हैं। जैसे देखिए ध्यान श्री राम का किया जाता है और कल्याण हनुमान जी कर रहे हैं, जब आप में देखेगा जैसे हनुमान जी को मुद्रिका दी गई माता सीता का पता लगाने चल पड़े। हेलो के उर्धर के ध्यान हरि का, ये है क्या बात है, बहुत अच्छे अनिल, क्या बात, जय हो, ये है जय। आप बैठ जाए भाई साहब। राखी आदर जी के उर्धर के ध्यान हरि का हो, बजरंगी धाये हैं कर अंगूठी वो सिया का शोक मिटाए, सिया का शोक मिटाए, सिया का शोक मिटाए, माता सिया व्याकुल थी तो देकर अंगूठी वो माता सिया का शोक मिटाए हैं। और माता सीता से कहा कि माँ मुझे भूख लगी है, माँ ने आदेश दे दिया तो कहना पहुंचे जब बाटिका में तो बाग बुझारा है खल दल को मारा है, और बाग बुझारा है और खल दल को मारा है, दस कंठ के प्रिय सुत अक्षय को संघारा है।
उसके बाद जला डाली है ये है ढोला भक्त विभीषण की क्यों क्यों कि मेरी लाइन कह रही है कि जो भी श्री राम जी का ध्यान किया करते हैं उनका हनुमान जी कल्याण किया करते हैं और क्या तो जला डाली है लंका रावण की और बच गई है कुटिया भक्त विभीषण की क्यों क्यों बच गई क्योंकि वो रघुबर का गुणगान किया करते हैं बहुत धन्यवाद है ये है चूर में चूर। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है ले मास्टर तो भैया जी और क्योंकि वो रघुबर का गुणगान किया करते हैं उनका हनुमान जी कल्याण किया करते हैं उनका हनुमान जी कल्याण किया करते हैं ध्यान करते हैं हनुमान जी की रक्षा करते हैं उनका कल्याण करते हैं जो भगवान श्री राम जब साकेत धाम को जाने लगे जब लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली राखी जी लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली उसके बाद भगवान श्री राम भी अपने साकेत धाम को जाने लगे जल समाधि लेने की बात आई तो हनुमान जी से कहा भगवान राम ने कि हनुमान जी आप भी मेरे साथ चलेंगे तो कहा नहीं प्रभु मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा आपके धाम मैं यही इसी धराधाम में रहना चाहता हूं और तब तक प्रभु मुझे एक आशीर्वाद एक वरदान दीजिए कि जहां जहां इस धरती पर आपके नाम की चर्चा होती हो ले करो ले ये बात माला और माल दोनों है जहां जहां प्रभु आपके नाम की चर्चा होती हो आपके नाम की कथा हो रही हो जहां जहां आपके नाम का गुणानुवाद होता है गुणगान होता हो प्रभु मेरे उतने रूप हो जाएं मैं उतने रूपों में हर जगह विद्यमान रहूं ले ब्रो दादाश्री कमलेश हितैषी जी जो बहुत सुंदर और सुरीले कीर्तनकार हैं उनके छोटे हितैषी जी छोटी नादान जी उनकी ओर से ये पुरस्कार मिला हृदय से मैं चूंकि अभी वो हमारे भतीजे हैं मैं उनको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि भगवान को लंबी आयु प्रदान करें सुनिएगा राखी जी भगवान श्री राम ने हनुमान जी को वरदान दिया कि जाओ कलयुग में जहां जहां जिस जिस स्थान पे जहां जहां आप मेरी कथा होती हो वहां तुम्हारे उतने रूप हो जाएं तो उतने रूपों में इस धरती पे जहां जहां भगवान की कथा होती है हनुमान जी उतने रूपों में विद्यमान रहते हैं जय हो अंतिम बात देखेगा सुने आठों सिद्धियां और विद्या और भक्तों के प्रभु भाग विधाता है भाग विधाता
को जन्मे हैं और मंगल ही करते हैं कि मंगल को जन्मे हैं और मंगल ही करते हैं। भक्तों के भय भय को कपीश्वर दूर करते हैं। सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। कथा रघुनाथ की आती है मन को जपा करते हैं जो जानकी रमने को। जय हो, जय हो गुरु। जानकी रमन भगवान श्री राम का नाम है, मेरा नहीं कहना। जपा करते जानकी रमने को तो कहना क्या? अरे कथा कीर्तन का जो रस पान किया करते हैं, जो भी भगवान की कथा को सुनते हैं। ले गुरु ले। लगातार मालाओं की बरसात आराध्य का गुरु। चलो बच्चा अमित कुमार मिश्रा जी की ओर से ये पुष्पहार और उनके हृदय का 21 पद मुद्राओं को आशीर्वाद मिला है। मिश्रा जी को नमन कर रहा हूँ। और भी पुरस्कार हैं, बाद में बोले जाएंगे। तो कहना कि जो भी भगवान की कथा को सुनते हैं कहते हैं उनको कभी माया या काल नहीं व्याप्त होता उनको। कहना कि कथा कीर्तन का जो रस पान किया करते हैं उनका हनुमान जी कल्याण किया करते हैं।